global advertisers, scaling new heights in outdoor media. बिहार गर्ल्स बटालियन की हर्षा कुमारी और झारखंड बटालियन की सावित्री ने अकेले ही साइकिल यात्रा द्वारा अब तक बिहार तथा उत्तर प्रदेश के 9 ग्रुप हेडक्वार्टर्स का भ्रमण कर चुकी हैं। हर्षा और सावित्री ने बताया कि साइकिल यात्रा से पूरे भारत का भ्रमण करना हमारा लक्ष्य है। दोनों का रोजाना 100 किमी की दूरी तय करती हैं। इस प्रकार वे 10 महीने में अपना लक्ष्य प्राप्त करके गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ को आज यहाँ अपने आगे दो बेटियों ने साबित कर दिखाया है, सावित्री और हर्षा ने, जिन्होंने 100 किलोमीटर डेली का साइकिल चला के रिकॉर्ड बनाया है। आज हम जानते हैं कि उन्होंने ये शुरुआत कब से करी है और कहां से कहां तक अब तक ये पहुंचे हुए हैं। इसकी शुरुआत हम 13 अक्टूबर बिहार के पटना ज़िले से किए थे और अभी हम लगभग 25 दिन के करीब होने आया है, जिसमें हमने 1800 किलोमीटर डन किया है। बिहार से वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा होते हुए हम अलीगढ़ की ओर आए हैं। तो आप क्या लक्ष्य लेके आप वहाँ से निकले हो? मेरा लक्ष्य है कि एक तो मैं ऑल इंडिया की हिस्ट्री में मैं फर्स्ट लड़की हूँ अंडर 18 हु हैव डन ऑल इंडिया साइकिल एक्सपेडिशन 21,000 किलोमीटर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और दूसरा, इसके बीच में हमारा एक मोटो ये है कि हमारे देश में, हमारी इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, स्वच्छता और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया का जो सपना देख रहे हैं, इसके लिए हमें लगता है कि हमारे देश में एक आदर्श नागरिक समाज का निर्माण बहुत ज़रूरी है। और आदर्श नागरिक समाज के निर्माण के लिए हम अपने इस लक्ष्य में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और NCC कैडेट से मिल रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे जो युवा जनरेशन है 10th 12th, इनसे जब हम मिले, इनको जब हम बताएं अपने बारे में, तो हमें भरोसा है कि ये हमारी इस आदर्श नागरिक समाज के निर्माण में ये हमारी मदद करेंगे। अच्छा हर्षा, ये बताइए, वो वहाँ बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्या इस तरीके की परेशानी आपके आगे आपके माँ बाप ने कुछ करा? कहीं पे भी बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाता है, पढ़ने नहीं, बढ़ने नहीं दिया जाता है। ये इस चीज़ का इंटेंशन है कि हमारे देश में लोग आदर्शवादी नहीं होते हैं, वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, मैं अपनी फैमिली में, मतलब पूरे परिवार में मैं पहली लड़की हूँ। हमारे पूरे इसकी पहले की पीढ़ी और अभी के जनरेशन में पहली लड़की हूँ। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ब्राह्मण फैमिली में अभी भी वो सर का पल्लू इतना से इतना नहीं होता है। तो एक अपना पहचान जुनून सर पे कुछ करने का, कि वो करना है जो पूरे भारत के इतिहास में कोई ना किया हो। इस चीज़ के लिए जब अपने कदम को बढ़ाया आगे, पापा के सामने रखा, दादा के सामने रखा, तो ऑब्वियसली है कि उनको हमारी फ़िक्र होगी, उनको हम पे भरोसा है, लेकिन ज़माने पे नहीं, इसलिए वो हमें रोके होंगे क्योंकि उन्हें हमें हमारी फ़िक्र थी। तो वो हमें रोकेंगे क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करते हैं। और जहाँ तक रही बेटी पढ़ने देने की और फिर जो भी उन्हें रोका जाता है, तो ये मैटर नहीं करता है कि हमारे देश में बेटी को पढ़ने नहीं जाता है। बिहार में आज हर एक जगह पे हमारे बिहारी इतने वनरेबल होते हैं कि वो, उनके अंदर इतनी टैलेंट रहती है कि वो हर जगह पे अपनी स्टैमिना को शो करते हैं। और अभी मैं बिहार में जन्मी जरूर हूँ, लेकिन अभी मैं भारत की मातृभूमि पर खड़ी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने बिहार के बारे में बोलना पसंद नहीं करूँगी। ये मिशन बनने से पहले हर्षा, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब जब हम लोग निकले, तब दोनों का मिशन साथ में निकले हैं, तो दोनों का मिशन का जो मुद्दा होगा वो भी सेम ही होगा सर। तो आप दोनों कहाँ मिले, क्योंकि ये बिहार से हैं, yes, कहाँ मिले, किस तरीके से आपने शुरू? एक्चुअली हम लोग NCC कैडेट हैं। NCC का जो डायरेक्टरेट है वो बिहार झारखंड दोनों एक ही है, पटना में डायरेक्टरेट है इसका। और एक NCC में रॉयल कैंप होता है RDC, हम लोग वहीं मिले थे। तो ये आपने क्या कब डिसाइड करा कि हमको ये 100 मीटर डेली चलना है, ये किस कब आपने डिसाइड करा, कब आपके दिल में ख्याल आया ये? जब हम लोग देखे कि जब ग्रुप हेडक्वार्टर्स को टच करना है, तो हर रोज़ का जो एक शेड्यूल बनता है 21,000 किलोमीटर को डिवाइड करते हुए हम लोगों ने वो 100 मीटर का ये किया है। अच्छा, हमने सुना है कि आपका गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज हो रहा है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है।